subscribe and press the bell icon for latest update. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक चैनल पर इंटरव्यू दिया है, जिसे लेकर अभी बीते दिनों पत्रकार रवीश कुमार ने निशाना साधा था। लेकिन एक बार फिर से अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए रवीश कुमार ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। रवीश कुमार ने पीएम मोदी की बात को कोट करते हुए उन्हें इशारों इशारों में नसीहत दे दी है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग देश से बाहर रहते हैं और विदेशी दौरे पर आते जाते रहते हैं, तो वो जानते हैं कि आजकल भारतीय पासपोर्ट को कितने सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। पीएम मोदी के ऐसा कहने के पीछे का मतलब था कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से ही वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ गया है। अब उनके इसी बयान पर रवीश कुमार ने असहमति जताई है। रवीश कुमार ने आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का हवाला देते हुए अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि क्या पीएम आजकल कुछ भी बोल देते हैं। अपने पोस्ट में रवीश ने हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जानकारी दी कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप केवल 55 मुल्कों में ही वीजा के बिना पहुंच सकते हैं, जबकि जर्मनी का पासपोर्ट है तो आप 177 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 176 मुल्कों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।